वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो नंबर जिनके दो ही फैक्टर हो, एक तो वन हो और दूसरा वो नंबर खुद हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब यहाँ नंबर फाइव है तो इसके फैक्टर कौन से हो गए, वन एंड फाइव, इट मीन्स कितने फैक्टर हो गए, टू हो गए, तो फाइव इज ए प्राइम नंबर। इन द सेम वे सेवन, थर्टीन और नाइनटीन के दो दो फैक्टर हैं तो इट और तो इसलिए ये प्राइम नंबर हो गया। और इसके कितने फैक्टर हो गए, थ्री हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया और ये तीनों क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। तो वन और टेन के बीच में कितने प्राइम नंबर हो गए, टू थ्री फाइव सेवन, तो इसमें जो टू है वो इवन प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर निकालने के लिए हम सबसे पहले 1 to 100 तक काउंटिंग लिख लेंगे। वन को कट ऑफ कर देंगे, क्यों कि ये ना तो ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, क्योंकि इसके एक ही फैक्टर है जबकि दो होने जरूरी हैं। टू इज ए प्राइम नंबर बट इसके जितने भी ये जो टू के मल्टीपल हैं वो प्राइम नंबर नहीं है, ये सब कंपोजिट में आ जाते हैं। थ्री इज ए प्राइम नंबर बट इसके जो मल्टीपल हैं थ्री के वो प्राइम नंबर नहीं है। फाइव इज ए प्राइम नंबर बट इसके जो मल्टीपल हैं वो प्राइम नंबर नहीं है। सेवन इज ए प्राइम नंबर लेकिन इसके जो मल्टीपल हैं वो जो हैं वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह हमारे पास कितने प्राइम नंबर आ गए, 25 प्राइम नंबर आ गए। एक और शॉर्टकट मेथड बता दिया है, यहाँ लिख दिया, आपको समझ आएगा क्योंकि एक्सप्लेन तो हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी। 100 से लेकर 200 तक निकालने हैं तो 3, 7 और 11, 13 से नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जो बाकी बच जाएगा जो डिविजिबल नहीं है वो सारे प्राइम नंबर होंगे। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे प्राइम नंबर 1 to 100 कैसे निकालते हैं। स्टेप टू में सिर्फ 2 ही जो है वो प्राइम नंबर है, इसके मल्टीपल नहीं है। 3 इज ए प्राइम नंबर बट मल्टीपल ऑफ 3 आर नॉट प्राइम नंबर। 5 इज ए प्राइम नंबर बट इसको इंक्लाइंड से काटेंगे। 7 इज ए प्राइम नंबर, इनको भी इंक्लाइंड से 7 के जो मल्टीपल आएंगे उनको काट देंगे और इस तरह 25 प्राइम नंबर आ जाएंगे। यहाँ हमने 200 से 300 और इधर जो है 300 से 400 तक के जितने प्राइम नंबर आते हैं वो आपको लिख के दे दिए हैं। ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कंपोजिट नंबर कौन से हैं, जिनके की फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं या जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ आपको कुछ जो हैं कंपोजिट नंबर हमने बताए हैं और उनके फैक्टर भी बता दिए कि कितने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि प्राइम नंबर के डिवाइज़र कितने होंगे। हमने प्राइम नंबर निकालने तो निकालने के लिए किसी भी नंबर को हम 2, 3, 5, 7 से डिवाइड करेंगे, जो 1 से लेकर 100 तक के बीच में आएंगे, और जो 100 से 200 के उनको इनसे 200 से 300 के बीच को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, और 300 से 400 वाले नंबर्स को इन नंबरों से हम डिवाइड करेंगे और हमें पता लग जाएगा कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। अगर डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे हमें 87 नंबर दे दिया तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9.3, तो इसका मतलब हम 9 से जो के से नीचे जो प्राइम नंबर होंगे उनसे डिवाइड करेंगे और देखेंगे ये प्राइम नंबर है या नहीं। और 2 और 5 तो हो, क्योंकि 2 और 5 के लिए 2 की डिविजिबिलिटी होना चाहिए, इवन नंबर यहाँ होना चाहिए, तो 5 के लिए 5 या 0 होना चाहिए, तो ये नंबर तो सिर्फ 3 और 7 से डिवाइड करके देखेंगे। इन द सेम वे इन नंबरों को भी इसी तरह ही हम डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि इनके किसी भी नंबर में 0 और 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं डिवाइड करके देखेंगे, और 2 का मल्टीपल भी नहीं है लास्ट नंबर तो 2 से भी, तो हम इन नंबरों से डिवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स।